अभी बताना आवाज़ वगैरह एकदम सही है ओके अब मेरे हिसाब से एकदम सही है कोई दिक्कत नहीं आ रही है ओके चलो तो दोस्तों चलते हैं करते हैं शुरुआत थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम थी टेक्निकल कोई मिस्टेक थी उसको सही कर लिया गया है और बड़ी खुशी की बात है कि बिना टेक्निकल हेल्प के सही कर लिया गया है चलो सर करते हैं शुरुआत बढ़ते हैं आगे अपने रूट वर्ड्स की क्लास पे और एक बच्चा जो है वो ये कह रहा है सर रूट वर्ड पूरे कब होंगे तो तुझे रूट वर्ड पूरे करने क्यों है पहले हाँ तेरा एंटोनिम सिनोनिम तेरे साथ में चल रहा है ईडीएम फ्रेजेज की क्लासेज तुझे बीच में दी जा रही है ठीक है साथ ही साथ में बीच में आपके होमोफोन्स की क्लास भी लेकर आने वाला हूं तो जितने दिन चल रहे हैं उतने दिन चलने दो जितने अच्छे से हम वर्ड्स को तैयार कर रहे हैं करने दो तो ये मत सोचो सर कब तक होगा कब तक होगा कब तक होगा मैं आज कह दूंगा पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा नहीं लैंग्वेज एक ऐसी चीज है या फिर मैं ये कहूँ की वोकेब एक ऐसी चीज है जिसको हम ये कहें लो आज पूरी हो गई इम्पोसिबल है यार यदि कोई भी आपको दुनिया में आके ये कह देता है तेरी वोकेब आज पूरी हो गई है तीन महीने पढ़ा गए दो महीने पढ़ा गए पांच महीने पढ़ा गए तो गलत है नहीं ये तो अथाह भंडार है भैया समुद्र है जितना ज्यादा हो सकता है उतना पानी पीवो निकाल के ठीक है और जो समुद्र में से जितनी ज्यादा चीजें आपने निकाली है उनमें से परीक्षा में आ गई तो बहुत अच्छी बात है ठीक है जी हाँ जी सर तो आ जाओ फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दो पूरे जोश और होश के साथ में और ग्यारह बजे तैयार है ना भैया ग्यारह बजे तैयार है ना अल्टीमेट सेशन आपका प्रोनाउन का सेशन चल रहा है ठीक है ना तो प्रोनाउन के सेशन को पूरा करने के लिए सर इलेवन ओ क्लॉक पे मेरा हर शेर शेरणी तैयार रहेगा लगभग यह सेशन जो है वो अब पूर्ण आहुति की तरफ है आज हो सकता है कि इस सेशन को हम पूरा कर देंगे प्रोनाउन का सेशन आज पूरा हो जाएगा लगभग ठीक है ना हाँ जी तो हर बच्चा इलेवन ओ पे अंतिम आहुति देने के लिए प्रोनाउन को जरूर आ जाना सर याद रखना चलिए सर इसके अलावा प्यारे बच्चे बात करता हूं कि सर एक बजे अपनी कॉलिंग का टाइम होता है तो हर बच्चा एक बजे कॉल कर सकता है इस नंबर पे कोई बात कर सकता है कोई भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ सकता है सर ठीक है जी चलो भाई आगे चलते हैं बच्चे और आज का पहला जो रूटवर्ड है वो आपके सामने आता है देखिए सर आज का फर्स्ट रूटवर्ड क्या है फर्स्ट रूटवर्ड आज का पहला जो रूटवर्ड है वो मेरे भाई क्या है वो आपके सामने है तो एक बार देखो देखे क्या लिखा हुआ है उसी को देखो और उसी को लिखो भी जी सर आज का रूटवर्ड है बच्चे एम ई एल ए एन देखने में ऐसे लग रहा है जैसे मिलन हो गया है? मिलन अभी आधा है और यहां पर ठीक है ना तो दोनों के दोनों रूटवर्ड पे काम करना है और दोनों का मतलब क्या होता है सर ब्लेक है तो आप इस ब्लेक का मतलब क्या समझेंगे कि सर ये नेगेटिव सेंस में होता है कैसे सेंस में होता है मेरे बच्चे नेगेटिव सेंस में होता है यह या आपको याद रखना है तो एम ई एल ओ मेलो बोल दो चाहे एम ई एल ए एन मेलन बोल दो बात किसकी हो रही है यहां पर यहां पर सर नेगेटिव सेंस की बात हो रही है ब्लैक की बात हो रही है अंधकार की, की बात हो रही है गंदे की बात हो रही है गलत की बात हो रही है ठीक है ओके जी सर अब आगे चलते हैं और इनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं बच्चे इनसे बनने वाला पहला वर्ड आपके सामने क्या है सर मेलंकली मैं आपको पढ़ाया करता हूं और जब मैं आपको मेलंकली वर्ड पढ़ा रहा था उस समय मैंने क्या बताया था मटककली, है ना कि मटककली मटककली तू मजकली मजकली पढ़ाया था ना हाँ जी तो बच्चे इस मेलंकली का मतलब क्या होता है बच्चे मतलब उदासी ठीक है जी ओके सर कि जब मटक्कली छोड़ के चली जाती है ना तो आदमी क्या हो जाता है उदास हो जाता है जब मटककली छोड़ के चली जाती है तो आदमी उदास हो जाता है अगला आपका कौन सा हो जाएगा सर अगला आपका कौन सा हो जाएगा एम ई एल ए एन ओ एम ए ये क्या है सर मेलानोमा और बच्चे मेलानोमा का मतलब क्या होता है सर ये होता है शरीर पर एक गहरा दाग और बॉडी पर जो एक गहरा दाग होता है वो किससे रिलेटेड मेरे बच्चे सर वो जिससे कैंसर भी हो सकता है ठीक है इससे क्या हो सकता है कैंसर भी हो सकता है ये याद रखना तो शरीर पर एक गहरा दाग जिससे कैंसर भी हो सकता है सर आप उसी को कैंसर बोल सकते हैं वो आपका मेलनोमा हो जाएगा तो देखिए यहां पर एम ई एल ए एन आया तो क्या ये ब्लैक या नेगेटिव सेंस में नहीं है हाँ जी सर है यहां पर जो एम ई एल ए एन आया क्या ये ब्लैक या नेगेटिव सेंस में नहीं है हां जी सर है एक आपका क्या है सर मेलोड्रामा क्या है बच्चे मेलोड्रामा मेलोड्रामा का मतलब क्या होता है सर एक ऐसा नाटक जो बड़ा सनसनीखेज होता है एक ऐसा नाटक जो बड़ा खेज होता है यानी नेगेटिव सेंस में होता है तो यहां पर प्यारे बच्चे आपका जो मेलो ड्रामा वर्ड है वो भी बच्चे नेगेटिव सेंस में आया है वो भी ब्लैक के सेंस में ब्लैक का मतलब एकदम काला का ही नहीं है ब्लैक का मतलब नेगेटिव सेंस में नकारात्मक भाव देने वाला वर्ड जो है वो इससे बनता है बच्चे ठीक है अब एक बार कमेंट करके तीनों वर्ड को लिखो पहले मेलंकली को लिखो एम ई एल ए एन सी एच ओ एल वाई मेलंकली को लिखो उसके बाद में सर मेलोनोमा को लिखो एम ई -E एल ए एन ओ एम ए मेलोनोमा को लिखो उसके बाद में मेरे बच्चे आपका मेलोड्रामा लिखिए एम ई -E एल ओ डी आर ए एम ए मेलोड्रामा लिखिए हर बच्चे को लिखना है हाँ जी हर बच्चे को लिखना है चलो आगे चलिए सर अब आगे चलते हैं सर और सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर मटक्कली की बात करेंगे लिखो मटक्कली हाँ लिख लो कली हाँ और यार कल एक बच्चे ने एक वीडियो भेजा कल एक बच्चे ने एक वीडियो भेजा था हेल्प डेस्क से मेरे पास में आया फिर वो वीडियो हाँ उस बच्चे ने बहुत अच्छा वो कर रखा था यानी उसने मेहनत कर रखी थी काम कर रखा था कहाँ गया रे गायब गायब हो गया क्या ऐसा कुछ और अपने नोट्स जो है ना वो नोट्स बना रखे हैं इसने बहुत अच्छे से और इस बच्चे का नाम है लोकेश कुशवा है तो लोकेश कुशवाहा भी अच्छी मेहनत कर रहा है अच्छे उसने नोट्स वगैरह तैयार कर रखे हैं और अच्छे से मेहनत कर रहा है वॉकेब को लेकर बहुत अच्छी बात है तो भाई जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है वास्तव में यदि आप इन पर दिल से काम करते हो ना तो कोई फर्क नहीं है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बस एक फर्क है वो क्या कि ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में समय पे क्या नहीं होता कोर्स कंप्लीट नहीं होता रिवीजन नहीं हो पाता और यहां ऑनलाइन में हम आपको ये मान लीजिए कि डबल कंटेंट देने के बावजूद भी आपका रिवीजन बहुत अच्छे से करा देते हैं ये फर्क होता है बाकी कोई फर्क नहीं होता बस आपका मन यदि हमारे साथ साथ है है यदि टीम के साथ है, तो बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर लेते हैं बच्चे ठीक है तो बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा मेलंकली और मेलंकली का मतलब क्या है सर वो देखिए ए फीलिंग फीलिंग एक ऐसी होती है ऑफ बीइंग वेरी जिससे आदमी बहुत ज्यादा सेड होता है तो बहुत ज्यादा सेड होने की जो फीलिंग है बच्चे उसी को आप मेलंकली कह सकते हैं दैट लास्ट जो रहती है फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी एक ऐसी उदासी जो बहुत लंबे समय तक रहती है एंड ऑफ़न कैन ऑफनोट और अक्सर एक ऐसी उदासी या ऐसी की होती है कि उसको हम नहीं, कर पाते। सामने वाले को बता नहीं पाते फीलिंग ऑफ बी वेरी फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड कॉल्ड मेलंकली ये याद रखना है बच्चे क्लियर ओके okay भाई अब इसके सिनोनिम की बात करेंगे हम तो सिनोनिम इसके बहुत अच्छे से देखो पहला आपका क्या हो जाएगा सर डिप्रेसिंग हो जाएगा बच्चे बहुत बार लड़के, बहुत बार बार लड़के लड़कियां और बहुत बार बूढ़े लोग बड़े लोग है ना बहुत बार कहते हैं कि वो डिप्रेशन में आ गया तो बच्चे डिप्रेशन में आने का क्या मतलब है डिप्रेशन में आने का मतलब है कि उसके दिमाग पर किसी ने किसी प्रकार का प्रेशर है किसी ने किसी प्रकार का दबाव है ठीक है तो सर किसी न किसी प्रकार के दबाव होने का मतलब सर वो व्यक्ति उदास है जी सर तो वो जो उदास है सर वो मेल, उसके मन में क्या चल रहा है मेलंकली चल रहा है उसके मन में वो सैडनेस की फीलिंग्स फीलिंग फीलिंग है वो ऐसी फीलिंग्स है उसके मन में जो उसको क्या कर रही है डिप्रेशन में ला रही है उनको हम डिप्रेसिंग फीलिंग्स बोलेंगे तो निराशाजनक जो है डिप्रेसिंग जो है वो बच्चे आपका मेलंकली हो जाएगा बात क्लियर ओके सर आगे आओ आगे आपके सामने क्या हो जाएगा सर मौर्न फुल हो जाएगा मेरी बात को समझना मेरी बात को समझना आपको यहां पर M -O -U -R -N, एक दिखाई दे रहा होगा और मोर्न से ही आपका मौर्न फुल बना है बच्चे मोर्न वर्ड होता है किसके लिए दुख के लिए मोर्न वर्ड होता है बेटा शोक के लिए ठीक है और इसको मैंने सिखाया भी था कि मोर चाहे कितना भी नाचे लेकिन अपने पैरों को देख के वो दुखी हो जाता है इसी को बोलेंगे मोर चाहे कितना भी नाचे अपने पैरों को देख के दुखी हो जाता है वही मॉर्न होता है और मॉर्न से ही मॉर्नफुल फुल बना होता है ठीक है तो एमओ यू आर एन एफ यूल मौर्न फुल आपका क्या हो जाएगा शोकाकुल हो जाएगा ये याद रखना सर ओके जी तो शोकाकुल का मतलब भी आदमी बड़ा उदास है और क्या है ठीक है सर अगला आपका क्या हो जाएगा सर पैथेटिक हो जाएगा बच्चे -E पैथेटिक, एक वर्ड से, बना था, अपे अपे से कौन सा वर्ड बना था अपे थेटिक। अपे थेटिक का मतलब क्या था सर जी जो बड़ा उदासीन व्यक्ति होता है वो एपैथेटिक होता है ठीक है और उस एपैथेटिक में से आप पैथेटिक को निकाल लेते तो उसके उसका मतलब हो जाता है बहुत ही दयनीय उसका मतलब क्या हो जाता है बहुत ही दयनीय तो सोचो कितने वर्ड मैंने एक साथ बता दिए कि सर ए पी ए टी एच वाई अपैथी बता दिया है ना जो अपेथी है सर वो क्या है वो उदासी है अपेथी से आपका एक वर्ड बन गया सर उदासीनता जिसको हम बोलेंगे एपेथेटिक ए पी ए टी एच ई -E टी आई सी एपेथेटिक हो जाएगा ठीक है सर एपेथेटिक क्या होता है सर उदासीन व्यक्ति

ठीक है चलो भाई आगे चलते हैं सर बात करते टीयर फुल बच्चे टीयर का मतलब क्या होता है टीयर का मतलब क्या होता है आंसू 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 होता है जी सर कि तेरे आंख 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 का का मेरी मेरी से से गिरा दूं। तेरी से गिरा तेरी इतनी ताकत है किसकी मेरे प्यार की चलो सर तो टीयर फुल का मतलब क्या होता है सर आंसू से भरा हुआ रहता है ठीक है ये तो आने वाला वर्ड है ड्रियरी का मतलब क्या है बच्चे डी आर ई ए आर वाई बच्चे ड्रियरी का मतलब क्या है बच्चे? कोई भी एक ऐसी चीज जो है जो बड़ी निराशाजनक है जो बड़ी पैथेटिक है जो बड़ी एपैथेटिक है एक ऐसी चीज जो बड़ी मेलेंकलिक है एक ऐसी चीज जो बड़ी डिप्रेसिंग है है ना उसी को बच्चे क्या बोलते हैं uh eagle. ड्रियरी भी बोला जाता है यानी सर जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ होती है जो आपको डिसअपॉइंटेड बनाती है जो आपको निराश कर देती है उसी को हम ड्रियरी भी बोल सकते हैं डिसअपॉइंटिंग भी बोल सकते हैं तो आप डिसअपॉइंटिंग जो आपका वर्ड होता है ना जिसको आप क्या बोलते हैं सर डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या है निराश है डिसअपॉइंटिंग का मतलब जो आपको निराश करता है यानी जो निराशाजनक है और निराशाजनक का मतलब वो क्या है सर वो डिप्रेसिंग है वो आपको डिप्रेशन में डिप्रेशन में लाता है ठीक है तो उसी को ड्रियरी भी बोला जाता है डी आर ई ए आर वाई भी बोला जाता है ये भी याद रखना है सर ठीक है चलो मेरे भाई आगे चलते हैं सर बात करते हैं करतेमल डी आई एस एम ए एल बच्चे डिसमल का मतलब क्या है ये भी सर निराशाजनक होता है अब इसमें देखिए आप डिसमल को यदि देखेंगे तो इसमें दो वर्ड आपके सामने हैं एक आपके सामने सर डी आई एस आया है डिस जो है वो वैसे ही नेगेटिव सेंस में आता है मेरा फोन डिस हो गया है ना मेरा फोन डिस हो गया किसी का डिसचार्ज होना तो वो डिस बेटा क्या है नेगेटिव सेंस में है ठीक है और बच्चे यहां पर एक वर्ड और है एम ए एल तो वो एम ए एल जो वर्ड है वो भी सर नेगेटिव सेंस में ही होता है ठीक है जिस जैसे आप क्या कह सकते हैं सर मेलंकली में तो एम ए एल नहीं है

डिप्रेशिंग लिखा है यानी सर जो आपको डिप्रेशन में लाता है ठीक है और यहां पर सर डिस्ट्रेसफुल है क्या क्या है बच्चे? है है? बच्चे? तो का मतलब क्या होता है? कोई भी एक चीज जो कि बड़ी कष्टकारी आप टाइप में बोल सकते हैं जिसको आप डिप्रेसिंग बोल सकते हैं जिसको आप टीयरफुल बोल सकते हैं जिसको आप ड्रियरी बोल सकते हैं जिसको आप डिसअपॉइंटिंग बोल सकते हैं ये सारे के सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ना वो लिखो कमेंट सेशन में हाँ, लिखो कमेंट शन में लिखो सारे बच्चे लिखेंगे अगला आपके सामने क्या हो जाएगा सर लेमेंटेबल हो जाएगा अब इस वर्ड को देखो कितना प्यारा वर्ड है इस वर्ड को देखो सर कितना प्यारा वर्ड है बच्चे लेमेंट से ही आपका लेमेंटेबल बना है लेमेंट से ही आपका बना है थोड़ा सा आप इस पर विचार करना और लेमेंट जो है ना सर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा किसी चीज से उदास होता है दूर होता है दुख में होता है उदासीन होता है है ना डिसअपॉइंटिंग होता है है ना आप कह सकते हैं इनडिफरेंट होता है तो उसको लेमेंट बोल दिया जाता है कोई व्यक्ति विलाप करता है किसी के लिए रोता है चीखता है चिल्लाता है उसको लेमेंट बोला जाता है ठीक है और उस लेमेंट से ही आपका कौन सा वर्ड बना है मेरे बच्चे लेमेंटेबल लेमेंटेबल बना है है सर सर ए ए एम ई ई एन टी बी एल का मतलब क्या होता यह भी बड़ा कष्टकारी होता है ये भी बड़ा उदासी वाला होता है ठीक है सर अगला वर्ड आपके सामने क्या हो जाएगा सर पोइग्नेंट हो जाएगा पी ओ आई जी एन ए एन टी बच्चे पोइग्नेंट का मतलब मर्म स्पर्शी होता है जो आपके अंदर के मर्म को स्पर्श कर लेता है है ना और आपकी जो उदासी होती है आपका जो दुख होता है जो दर्द होता है जो कष्टदायक चीजें होती है वो हमेशा आपके मर्म को टच करती है वो हमेशा आपके मर्म को स्पर्श करती है तो वो मर्म स्पर्शी हो जाती है ठीक है चलो भाई अगला आपके सामने क्या हो जाएगा सर अनफॉर्चुनेट बच्चे फॉर्चुनेट क्या होता है बच्चे फॉर्चुनेट का मतलब क्या हो जाएगा कभी आपने देखा होगा ऐसा हो गया, कोई भी आदमी जो है मान लो कि वो क्या है सर दुर्भाग्यपूर्ण है कोई स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कोई कंडीशन दुर्भाग्यपूर्ण है ठीक है आपके जीवन में आने वाली सरकम दुर्भाग्यपूर्ण है तो ऐसी कंडीशन में आप उनको क्या बोलेंगे सर अनफोर्टुनेट बोलेंगे वो दुर्भाग्यपूर्ण चीजें होती है वो उदासी वाली चीजें होती है मेलेंकली वाली चीजें होती है और वहीं पर प्यारे बच्चे एक वर्ड आपका आया सर ग्रीवस एक वर्ड को देखना बच्चे आपके सामने एक वर्ड आपको कभी बताया गया था ग्रीफ z r e g r i e f बच्चे ग्रीफ का मतलब क्या होता है सर दुख होता है ग्रीफ का मतलब क्या होता है दुख होता है जी आर आई ई एफ ग्रीफ का मतलब क्या हो जाएगा दुख हो जाएगा उस ग्रीफ से ही आपका एक वर्ड यहां पर आपका grievous बना हुआ है और ग्रीफ का मतलब दुख होता है तो grievous का का मतलब मतलब क्या हो जाएगा सर जी आर आई ई वी ओ एस जो बड़ा दुखद होता है जो बड़ा दुख देने वाला होता है वो ग्रीवस होता है ठीक है ना हाँ जी सर अब एक बार के लिए सारे के सारे शेर श्रेणी क्या करेंगे एक बार के लिए सारे के सारे शेर वर्ड्स को लिखेंगे सर मैं भी लिखूंगा और आप मेरे साथ साथ कमेंट सेशन में लिखेंगे आप मेरे साथ साथ कमेंट सेशन में लिखेंगे फटाफट से हर बच्चा वर्ड्स को लिखेगा मेरे बच्चे ठीक है तो सबसे पहला वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा सर डिप्रेसिंग को लिखिए डी ई पी आर ई डबल एस आई एन जी डिप्रेसिंग जो चीज आपको डिप्रेशन में लाती है सर वो डिप्रेसिंग होती है बच्चे इसी को मॉर्न बोल सकते हैं बच्चे मॉर्न का मतलब क्या हो जाएगा सर जी मॉर्न का मतलब जो आपको बड़ा कष्ट देता है जो बड़ा दुख देता है वो होता है शोकाकुल बच्चे आप से आप एक वर्ड निकाल के लाए थे आपको याद हो तो सर वो आपका पैथेटिक है पैथेटिक का मतलब सर बड़ा दर्द वाला है सर बड़ा दयनीय है उसको बोलेंगे इसी को आप सर टीयरफुल भी बोल सकते हैं तो टीयरफुल का मतलब जो आंसुओं से युक्त होता है इसी को सर ड्रियरी भी बोल सकते हैं तो ड्रियरी आपका क्या हो जाएगा सर जो बड़ा ड्रियरी यानी निरस होता है इसी को आप डिसमल भी बोल सकते हैं बच्चे डिसमल का मतलब भी क्या है जो बड़ा निराशाजनक होता है इसको सर डिस्ट्रेस फुल भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रेस फुल भी लिखते जाओ लिखते जाओ मैं क्यों लिख रहा हूँ लिखावा तो पढ़ा है ना मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं ताकि मैं लिखूंगा तो तुम भी लिखोगे और तुम लिखोगे तो वर्ड याद होगा तुम लिखोगे तो वर्ड याद होगा इसलिए मैं लिख रहा हूं मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है इसको लिखने का ठीक है सर लेमेंट फुल को देखिए सर एल ए एम ई एन टी एफ यू एल बच्चे लेमेंट फुल भी आपका क्या होता है ये भी सर बड़ा दुखद टाइप का सा होता है विलापी टाइप का सा होता है ठीक है सर इसको बच्चे क्या बोल सकते हैं सर पोइग्नेंट भी अपने सामने है क्या है बच्चे

क्या लिखना है डिसअपॉइंटिंग जो है वो भी आपको यहां पर लिखना है ये आपको याद रखना है मेरे भाई ठीक है तो डिसअपॉइंटिंग जो है वो भी आपका यहां पर सही हो जाएगा है ना तो आपका डिसअपॉइंटिंग हो गया ग्रीवस हो गया अनफर्टुनेट हो गया पोइग्नेंट हो गया लेमेंटफुल हो गया डिस्ट्रेसफुल हो गया डिप्रेसिंग हो गया डिसमल हो गया ड्रीरी हो गया टियरफुल हो गया मॉर्नफुल हो गया पैथेटिक हो गया और मटकली आपकी है ही सर मटकली आपकी पहले से लिखी हुई है बस मुझे ऐसे कमेंट चाहिए तुम लोगों ने जो अब जोश दिखाया ना अब जो तुम लोग कमेंट सेशन में रहे हो वास्तव में वर्ड्स आपको ऐसे ही याद होंगे चलो सर इसके एंटोनिम और देख लो एंटोनिम क्या हो जाएगा सर जो आपको इंस्पायर करता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको निराश नहीं करती देखिए अलग अलग प्रकार की चीजें जीवन में आती है कुछ चीजें ऐसी तो वो कैसी चीजें हो जाती है ना वो सारी की सारी चीजें पैथेटिक हो सकती है ड्रियरी हो सकती है पोइग्नेंट हो सकती है वो चीजें आपको कहीं ना कहीं निराश करती है बट बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको इंस्पायर करती है इंस्पायर करने का मतलब आपको प्रेरणा देती है आपको खुश करती है आपको मोटिवेट करती है तो जो मोटिवेटिंग चीजें होती है मेरे भाई क्या होती है सर जो मोटिवेटिंग चीजें होती है तो वो मोटिवेटिंग सर क्या हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा

आप कह सकते हैं किसी का उत्साह वर्धन करना होता है यानी सर किसी को मोटिवेट करना होता है है ना किसी को सर क्या करना सर एनक्रेज करना होता है किसी के साहस को बढ़ावा देना होता है उसको एक्ट करना बोलते उत्साह तो वर्धक तो हो, हो जाएगा जो आपका उत्साह को बढ़ाता है प्लेजरेबल का मतलब सर क्या हो जाता है प्लेजर से आपका प्लेजरेबल बना है आनंददायक हो गया डिलाइट से आपका डिलाइट बना है तो डिलाइट जो है वो भी बड़ा ही क्या होता है सर पर

एक्टिंग को मैंने आपको लिखने के लिए बोला एक तो इसको लिखो को हर बच्चा लिखेगा सर e -A -A और एक आपको स्टिमुलेट करना स्टिमुलेट करने से आपका स्टिमुलेटिंग बना है है ना स्टिमुलेट करने से आपका स्टिमुलेटिंग बना है तो मेरे भाई याद रखना कि सर स्टिमुलेट करने का मतलब क्या हो जाएगा स्टिमुलेट करने का मतलब क्या हो जाएगा रे सर स्टिमुलेट करने का मतलब होता है जो आपको स्टिम्युलेट करता है जो आपको इंक्रेज करता है जो आपका साहस बढ़ाता है ठीक है हाँ जी सर जो सर क्या करता है आपको मोटिवेट करता है उसको स्टिमुलेट करना बोलते हैं एस टी आई से आपका स्टिमुलेटिंग बना है और एक आपका बच्चे एक्स आई ए आर ई बच्चेरेट करने का मतलब भी क्या होता है सर उसको एनकरेज करना किसी चीज को मोटिवेट करना होता है तो वो आपका एक्जिलरेटिंग हो जाएगा ठीक है मेरे बच्चे ओके सर बात करेंगे सर कोई भी चीज ऐसी होती है जो बड़ी प्लीजेंट होती है तो प्लीजेंट होने का मतलब क्या है सर जो चीज बड़ी आनंददायक होती है वो बड़ी प्लीजेंट होती है और वहां पर सर बात किसकी करेंगे वहीं पर बात करेंगे थ्रिलिंग का मतलब बच्चे क्या होता है रोमांचकारी होता है थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है रोमांचकारी आपने थ्रिल वर्ड सुना होगा थ्रिल का मतलब क्या है सर रोमांस पैदा करना थ्रिल का मतलब है रोमांस पैदा करना मतलब आनंद

लेकिन प्यारे बच्चे ये अर्पिता यादव लड़की है कोई अर्पिता यादव ये क्या लिख रही है झूठ नहीं बोल रही वो पर्टिकुलर एनडीए के लिए नहीं करेगी तुम लोग अपनी पंचायती करने के लिए आते हो क्या वो लड़की क्या करेगी क्या नहीं करेगी तू क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा पढ़ाई नहीं करनी मतलब है अपनी बातें व्हाट्सएप पे कर लो फेसबुक पे कर लो ये कोई अड्डा है क्या यहाँ पर चैटिंग करने का आप लड़की हो अर्पिता यादव इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं भी थोड़ा सम्मान करता हूं लड़कियों का थोड़ा ही करता हूं ठीक है तो ये पर्सनल बातें हैं ना उनको तो कर दो बंदर पढ़ाई कर लो हाँ। ओके बहुत अच्छे चलो सर आ जाओ आगे अब सुनो मेरी बात को सुनो आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड आपके सामने है आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड आपके सामने है बताओ अभी वर्ड अपने कौन से थे मेलंकली तो जो मेलंकली आपका वर्ड है ना जो मेलंकली आपका वर्ड है इस वर्ड के बाकी बचे हुए सिनोनिम भी हैं सर इतने सारे सिनोनिम क्या करें भाई अंग्रेजी को कहीं उठा के फेंक दे क्या इंग्लिश को कहीं उठा के फेंक दे क्या मिजरेबल क्या होता है अब लिख लो इनको अब इनको फास्ट लिख लो थोड़ा सा फास्ट फास्ट लिख लो इनको कॉपी पेन हाथ में तो एक बार एक ही जगह डाल दो सारे वर्ड्स सा। जहां ये सिनोनिम आपने लिखे हैं ना जहां पर ये सिनोनिम आपने लिखे हैं किसके मेलंक के ये सारे सिनोनिम एक साथ एक ही जगह डाल दो एक पेज में

कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं डिजेक्ट हो गया यानी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं हताश हो गया डिजेक्टेड हो जाएगा ठीक है होपलेस है यानी सर होप है ही नहीं आशा है ही नहीं

चारों के चारों वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इन पे ध्यान दे लेना वहीं पे बात करेंगे सर डिसोल्यूट सॉरी डिसो, डिसोलेट डिसोलेट का मतलब क्या होता है सर उजाड़ है ये भी उदास है ठीक है बच्चे सोमबर का मतलब भी बड़ा उदासी वाला होता है रीयूफुल का मतलब भी ये भी सोका का कुल उदासी वाला और रिग्रेटफुल का मतलब भी ये भी पछतावा वाला बड़ी उदासी वाला होता है बोलो सारे वर्ड्स को लिख लो सारे वर्ड्स को लिख लो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लो इनके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमने पहले भी टाइम लगा दिया है हाँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं है इसका मतलब नहीं नहीं कि वर्ड्स वर्ड्स को को देखना है इन भी आ, आपको काम करना है कुछ वर्ड दो दो बार हो गए जैसे एक तो आपका डिप्रेसिंग दो बार हो गया और एक आपका डेस्पोंडेंट दो बार हो गया तो ऐसे डरने की जरूरत भी नहीं है चलो रिविजन हो जाएगा ठीक है चलो सर अब इसके एंटोनिम भी साथ ही साथ मेलंकली जो आपका वर्ड है ना उसके एंटोनिम भी आपके साथ में है ठीक है जो मेलंकली वर्ड आपका आया है ना उसके एंटोनिम भी साथ के साथ सारे यानी जो बचे हुए एंटोनिम थे अब देखिए इनमें यूफोरिक है है ना प्यारे बच्चों एक वर्ड मैंने आपको सिखाया था यूफोरिया आपको याद हो तो उत्साह के लिए आनंद के लिए एक वर्ड सिखाया था यूफोरिया तुम रिया के लिए हो यूफोरिया तुम रिया के लिए हो यूफोरिया वहीं से आपका वर्ड बना है सर यूफोरिक यूफोरिक का मतलब तो क्या होता है उत्साहपूर्ण होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीक है यहीं पर आपका बन गया सर एक्सटेटिक एक्सटेटिक का मतलब भी बड़ा उत्साहपूर्ण होता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिस वर्ड के साथ में स्टार लगा रहा हूं उस वर्ड को अलग से नोट कर लेना है ना उस वर्ड को अलग से नोट कर लेना आपका प्यारा वर्ड है, e है।, है, e है। इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे देखना एक्सलटेंट एक्सलटेंट इसको वैसे बोला करते हैं बहुत ही प्यारा वर्ड है मेरे भाई बहुत ही प्यारा वर्ड है कैसे बनाते हैं स्टार बनाना भूल गया आज मैं है ना ये आपका क्या है सर एक्सलटेंट ई एक्स यू एल टी एन टी एक्सलटेंट भी आपका क्या होता है सर एक्सलटेंट का मतलब भी बड़ा उल्लासित होता है बच्चे मिर्थफुल अब आप देखिए सर एक एक सिंगल वर्ड ऐसा नहीं है जो कि अच्छा वर्ड नहीं है प्यारे वर्ड है सारे के सारे बहुत ही प्यारे वर्ड है बच्चे मिर्थफुल का मतलब भी क्या होता है इंपॉर्टेंट है है ना जो बड़ा आनंददायक होता है प्रसन्न होता है ठीक है ब्लिसफुल याद हो जाएगा आनंदित है आनंदित होता है ठीक है ग्लीफुल का मतलब भी क्या होता है जो बड़ा उल्लासपूर्ण होता है वो ग्लीफुल होता है वहीं पर बच्चे आपका रेपचरस रेपचरस का मतलब भी क्या होता है उत्साहपूर्ण ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई रेपचरस आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है आर ए पी टी यू आर ओ एस बच्चे रेपचरस का मतलब क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो कि बड़ा उल्लासपूर्ण होता है ठीक है ऑप्टिमिस्टिक ये एयरफोर्स में बहुत बार ये वर्ड आता है ऑप्टिमिस्टिक वाला लेकिन आपके भी आ सकता है एक पेसिमिस्टिक होता है जो बड़ा उदास होता है ठीक है ना अब जैसे मेलन की बात करेगा तो यहाँ पर एक आपका पेसिमिस्टिक हो सकता है है ना, ना वो पैसेमिस्टिक होता है जो कि उसका सिनोनिम होता है ये ऑप्टिमिस्टिक है जो आशावादी होता है ठीक है सर बच्चे ब्लीथ का मतलब क्या होता है बी एल आई टी एच -E, ब्लीथ का मतलब भी आपका आनंदित होता है ठीक है अगला सर आपका क्या हो जाएगा होपफुल जो आशा

हर बच्चा लिखेगा बच्चे मेर्थफुल को ठीक है ब्लिसफुल आता आता है आता है ग्लीफुल को लिखिए सर किसको लिखिए लिखिए को, को सर बहुत ही प्यारा वर्ड है रेपचरस रेपचरस वहीं पे ऑप्टिमिस्टिक है ऑप्टिमिस्टिक्लीथ हो गया ये ब्लीथ को भी लिख लो सर ब्लीथ भी बहुत ही प्यारा वर्ड है ये ब्लीथ भी आपके काम का वर्ड है वहीं पर आपका सैनगुन हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा सैनगुन हो जाएगा भाई तो सेंग्इन को भी आपको लिखना है सैंग्विन को भी आपको लिखना है बच्चे तो एक आपका क्या हो जाएगा सर सैंग्विन हो जाएगा इसको प्यारे बच्चे आपको लिखना है सैंग्विन को भी लिखना है इसके अलावा सर होपफुल हो हो गया हो गया एनर्जेटिक विवेसियस बस ये लास्ट है तो एक आपका क्या हो जाएगा सर आपका विवेसियस हो जाएगा ये आपके प्यारे वर्ड है फटाफट से लिखते जाओ इनको हाँ जी फटाफट से लिखते जाओ यही वर्ड हैं जो अपनी एग्जाम में आएंगे और अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे इनके ऊपर फोकस करना है चलो आगे चलिए सर आज मैंने एक ही वर्ड के बारे में चर्चाएं करी है यह बात अलग है यह बात अलग है कि मैंने एक ही वर्ड के बारे में चर्चा करी है मेलंकली के बारे में ही मैंने पिछले 35 मिनट में चर्चा करी है है लेकिन इस मेलंकली पे कितने वर्ड मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात इसलिए उस पैंतीस काम करना ठीक है ना हाँ जी सर और यहीं से वर्ड निकल के आ जाते हैं पता ही नहीं चलता साहब कहां से निकल के आ जाते हैं चलो भाई आगे बात किसकी करेंगे सर मेलेनोमा की करेंगे किसकी बात करेंगे मेलेनोमा की बात करेंगे और मेलेनोमा मैंने क्या कहा था कि क्या होता है बच्चे मेलेनोमा के बारे में अभी हमने पढ़ा था ए टाइप ऑफ कैंसर ए टाइप ऑफ कैंसर कैंसर का एक प्रकार होता है दैट अपियर्स जो अपीयर होता है एज ए डार्क स्पॉट एक काले निशान के रूप में ट्यूमर या फिर एक काली गांठ के रूप में ऑन द स्किन त्वचा के ऊपर ठीक है आपको कोई कहे कि सर मेलेनोमा क्या है तो मेलेनोमा जो है वो शरीर के ऊपर एक गहरा और काला दाग होता है ठीक है और वो एक ऐसा दाग होता है एक ऐसा ट्यूमर होता है कि सर वो कैंसर का ही याद रखना है. तो इसी से सर आपका क्या बन जाएगा सर कार्सिनोमा बन जाएगा तो सी ए आर सी आई एन ओ एम ए कार्सिनोमा आपका क्या है सर ये भी कैंसर है अब जितने वर्ड में बता रहा हूं वो सारे कैंसर से रिलेटेड है ये याद रखना और ये हार्ड वर्ड है बेटा हार्ड हार्ड बहुत बहुत याद नहीं होंगे ये जो वर्ड है वो थोड़े हार्ड है याद नहीं होंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे पहली बार पढ़ोगे इन वर्ड्स को याद नहीं होंगे इसलिए थोड़ा जोर देना मेरे बच्चे थोड़ा सा जोर देना पहले वर्ड को लिखो सर सी ए आर सी आई एन ओ एम ए इसमें तो सर देखो थोड़ा सा सी ए आर सी आई को देख के

ठीक है चलो भाई अगला आपका क्या हो जाएगा सर लिम्फोमा हो जाएगा वाई एम लिम्फोमा वाई एम पी एच ओ एम ए बच्चे लिम्फोमा जो है वो भी किसका नाम कैंसर को लिम्फोमा जो है वो भी कैंसर कोई बोला जाता है तो भाई लिम्फोमा को लिखिए लिम्फोमा को लिखिए वाई एम पी एच ओ एम ए लिम्फोमा आपका क्या हो जाएगा कैंसर हो जाएगा कासिनोमा को देखिए सर सी ए आर सी आई ओ एम ए काशीनोमा आपका क्या हो जाएगा ये भी प्यारे बच्चे आपका कैंसर ही है ठीक है ना चलो भाई अगला आपका सर देखिए कैंसर आ गया कोई दिक्कत नहीं है सर कैंसर तो आता ही है ये वर्ड तो आता ही है ठीक है अगला आपका क्या हो जाएगा सर मेलिग्नेंसी हो जाएगा एम ए एल आई जी एन ए एन सी वाई मेलिग्नेंसी आपका क्या है प्यारे बच्चे इस वर्ड में आपका वो वर्ड है कौन सा वो मेलेवोलेंट वाला वो मेलेवोलेंट वाला वर्ड है कहां पर ये रहा देखो यहाँ पर यह देखो यह रहा और एक वर्ड वहां पर आपको मेलिग्नेंट भी बताया जाता था उस मेलिग्नेंट वर्ड से आपका मेलिग्नेंसी बना है और मेलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है सर शरीर में उत्तक का एक घातक द्रव्यमान जो है वो मेलिग्नेंसी होता है इसको याद रखना एम ए एल आई जी एन ए एन सी ई सी वाई मेलेग्नेंसी भी क्या होता है सर ये भी एक ऐसा उत्तक का कोई घातक जो नुकसान पहुंचाने वाला दरव्यमान है जो कैंसर से रिलेटेड ही होता है ट्यूमर बच्चे आपका क्या होता है सर ट्यूमर कोई भी फोड़ा होता है और वो ट्यूमर ही बाद में कैंसर का रूप ले लेता है सबको पता है ठीक है सर अगला आपका क्या हो जाएगा सर एक्सक्रीसेंस हो जाएगा बच्चे एक्सक्रीसेंस का मतलब क्या होता है बालू और सिंगू की सहज वृद्धि बालू और सिंगू की सहज वर्दी जो ग्रोथ होती है जो वर्दी होती है यानी सर जब फोड़ा होता है ना तो वो त्वचा से स्किन से ऊपर उठ जाता है है ना उसमें एक वर्दी हो जाती है है तो जब कोई जानवर होता है, इसके सिर में सींग आते हैं तो वो सींग भी तो त्वचा को ऊपर उठा देते हैं ना थोड़े से हाँ जी बाल आते हैं तो वो बाल भी त्वचा को थोड़ा सा उठा देते हैं हाँ जी तो वो बेटा उसको क्या बोला जाता है एक्सक्री भी बोला जाता है ये भी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट वर्ड है याद नहीं होने वाला वर्ड है तो थोड़ा थोड़ा आपको सर इस पे क्या करनी पड़ेगी मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी एक्सक्रीसेंस आपका क्या हो जाएगा बालू और सिंगू की सहज वर्दी यह भी सर क्या मेलेनोमा का सिनोनिम माना जाता है ठीक है सर ग्रोथ तो वर्दी होती है यह नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक आपका क्या हो जाएगा सर नियो हो जाएगा यह प्यारा वर्ड है नियोप्लाजमा ये नियोप्लाजमा जो है बच्चे ये नियोप्लाज्म भी बहुत अच्छा वर्ड है इसका मतलब वही सूजन होता है जो बाद में फोड़ा बन के कैंसर के रूप में बदल जाता है वो आपका बच्चे क्या हो जाएगा नियोप्लाज्म तो सर ये जो स्क्रीन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्रीन आपके सामने है ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सर कासिनोमा जैसा वर्ड आया है जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें लिम्फोमा जैसा वर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें सर एक्सक्रीसेंस जैसा वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें प्यारे बच्चे नियोप्लाज्म जैसा वर्ड है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसीलिए आप इनको एक बार वापस लिखो बच्चे एक बार वापस वापस एक बार से फिर से लिख दो एक बार इनको फिर से कमेंट सेशन में से लिख दो सारे बच्चे लिखो मुझे आपका वेट है मुझे आपका वेट है फटाफट से लिखिए फटाफट से लिखिए मुझे आपका वेट है मेरे बच्चे लिखो फटाफट बोलो

इसके बारे में देखो ए स्टोरी एक ऐसी स्टोरी प्ले या फिर एक ऐसा नाटक और नोवेल या फिर एक ऐसा नोवेल होता है दैट इज़ और, और जो इमोशंस होते हैं सीन वो सीम वो प्रतीत होते हैं टू एक्जागरेटेड यानी सर वो एक्सागरेट करते हुए प्रतीत होते हैं टू बी रियल वास्तव में ठीक है इसी को सर मेलो ड्रामा सनसनी खेज नाटक कहा जाता है जिसको आपको याद रखना है ठीक है जी हां जी आगे चलते हैं सर और आगे चल के बात करेंगे मेलो ड्रामा जो है उसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे तो प्ले इसका सिनोनिम हो जाएगा क्योंकि प्ले भी नाटक होता है और यहां पर ड्रामा भी नाटक होता है तो आपको ऐसा नहीं करना की मेलोड्रामा के लिए अलग से कोई सिनोनिम लाने हैं आप इस ड्रामा जो वर्ड है ना इसी के सिनोनिम देख लो वही इसके सिनोनिम हो जाएंगे ड्रामा के सिनोनिम जो है वो मेलो ड्रामा के सिनोनिम हो जाएंगे ठीक है सर तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा सर कॉमेडी कॉमेडी क्या होता है सुखांत नाटक होता है एक ऐसा नाटक जिसका एंड जो है वो सुख से भरा हुआ हो वो कॉमेडी होता है ट्रेजिडी आपका क्या होता है सर दुखांत नाटक होता है एक ऐसा नाटक है जिसका एंड जो है वो बड़ा दुखद होता है वो ट्रेजडी होता है ठीक है एक आपका क्या होता है सर डोक्यू ड्रामा होता है डी डी ओ सी यू आर ए ए एम ड्रामा ड्रामा का मतलब फिल्म या टीवी कार्यक्रम को ड्रामा बोलते हैं ठीक है एक आपका मोनोड्रामा होता है एम ओ एन ओ डी आर ए एम ए बच्चे मोनोड्रामा का मतलब क्या होता है जो एकल नाटक होता है एक ही व्यक्ति स्टेज पे आया और अकेले ही नाटक किया वो एकल नाटक होता है एक साइको ड्रामा होता है बच्चे साइको ड्रामा का मतलब क्या होता है सर जो पागलपन भरावा नाटक होता है है ना जो सर मन की बातों से या फिर मनो नाटक होता है उसको सर साइको ड्रामा बोलते हैं तो पी एस वाई सी एच ओ डी आर ए एम ए साइको ड्रामा आपका मनोनाटक हो जाएगा एकदम इजी है ये है इसमें जोर नहीं आएगा क्योंकि ना आपको प्ले में जोर आएगा कॉमेडी में जोर आएगा न आपको ट्रेजिडी में नोक्योड्रामा में साइकोड्रामा में मोनोड्रामा में सारे वर्ड ऐसे हैं जो एक बार पढ़ लिए याद हो गए दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है याद करने की जरूरत पड़ेगी किसको जरूरत पड़ेगी मेलोड्रामा से पहले हमने वर्ड लिखा था सर मेलेनोमा <understandamento> तो मेलेनोमा वर्ड के जितने सिनोनिम है इन सिनोनिम पे थोड़ा जोर आएगा चार पांच वर्ड इसमें ऐसे हैं है ना लिम्फोमा वगैरह जैसे आ गया आपका कासिनोमा आ गया आपका आ गया आपका है ना एक्स एक्सक्रीसेंस आ गया तो ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जिन पे आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा जोर देना पड़ेगा चलो मेरे भाई और आगे चलते हैं आगे चल के सर अगला अपना देखते हैं जो वर्ड है वो कौन सा है सर एम ए सी आर ओ मैक्रो अगला वर्ड कौन सा बच्चे एम ए सी आर ओ मैक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है सर लार्ज होता है ग्रेट होता है बड़ा होता है ठीक है जैसे ये लड़की बैठी हुई है तो ये कुत्ता जो है वो उससे लार्ज है बड़ा है सर ये कुत्ता इससे क्या है सर लार्ज है बड़ा है तो एम ए सी आर ओ मेक्रो आपका क्या होता है सर बड़ा होता है ये अगला अपना रूट वर्ड है इससे कौन कौन से वर्ड बने हैं बच्चे वो देख लेते हैं इससे जो वर्ड्स बने हैं वो देख लेते हैं सर एक आपका क्या हो जाएगा सर मेक्रो इवोल्यूशन हो गया बड़े पैमाने पर कोई इवोल्यूशन हुआ विकास हुआ उसको मैक्रो इवोल्यूशन बोलेंगे एक एक आपका सर सर मैक्रो हो गया तो सर एक बहुत बड़ा जो अणु होता है उसको मैक्रो मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं मोलिक्यूल तो अणु होता ही है और मैक्रो मोलिक्यूल आपका बड़ा अणु हो जाएगा वहीं पर आपका सर मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया यानी अर्थव्यवस्था की समग्र शक्तियों का जो अध्ययन होता है बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसमें देखो तीन वर्ड है एक आपका इवोल्यूशन वर्ड है ठीक है एक आपका मोलिक्यूल वर्ड है ठीक है एक आपका इकोनॉमिक्स वर्ड है यही मेरे बच्चे तीन तीन वर्ड वर्ड है और और इन तीन से पहले हमने क्या जोड़ दिया? जोड़ दिया दिया मैक्रो बस और कोई फर्क नहीं है मैक्रो 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 हमने किस में जोड़ा इवोल्यूशन में जोड़ा हमने मोलिक्यूल में जोड़ा और हमने इसको इकोनॉमिक्स में जोड़ा तो तीन वर्ड में हमने मैक्रो को जोड़ा मैक्रो को जोड़ते ही इवोल्यूशन जो विकास होता है वो एक बड़ा विकास बन गया मैक्रो को जोड़ते ही मोलिक्यूल जो अणु होता वो हो सर, जो है वो एक बड़ा अणु हो गया और मैक्रो को जोड़ते ही सर इकोनॉमिक्स का जो अध्ययन है वो एक बड़ा इकोनॉमिक्स का अध्ययन हो गया बस इतना ही सर होता है ठीक है इतना ही फर्क है चलो मेरे भाई इन्हीं वर्ड्स के बारे में देखते हैं पहला आपके सामने सर मेक्रो इवोल्यूशन है ठीक है सर तो मेक्रो इवोल्यूशन किसे कहते हैं सर थोड़ा उस पर काम कर लो हम कह सकते हैं सर इवोल्यूशन ऐसा इवोल्यूशन ऐसा विकास दैट रिजल्ट्स जिसका परिणाम आता है इन रिलेटिवली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स चेंजेस ठीक है कि सर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स चेंजेस यानी बड़े और जटिल परिवर्तन जो हैं वो सर परिणाम स्वरूप होते हैं किसके परिणाम स्वरूप किसी भी इवोल्यूशन के थ्रू कोई एक इवोल्यूशन हुआ कोई भी एक विकास हुआ कोई भी एक बदलाव हुआ ठीक है कोई भी डेवलपमेंट हुआ और वो होने के बाद में बहुत ही बड़े यानी सर बहुत ही लार्ज और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेंजेस हुए इसका मतलब जो इवोल्यूशन था वो कैसा था वो मैक्रो इवोल्यूशन था बच्चे ये आपको याद रखना है ठीक है इसके आपको सिनोनिम याद करने की जरूरत नहीं है इसके आपको एंटोनिम याद करने की जरूरत नहीं है इसमें केवल और केवल और आपको मैक्रो इवोल्यूशन जो वर्ड है ना यही याद रखना है इसके अलावा अगला आपका क्या हो जाएगा सर मैक्रो मॉलिक्यूल हमने देखा एक बहुत बड़ा अणु हमने देखा इसके भी आपको सिनोनिम एंटोनिम याद रखने की जरूरत नहीं है केवल इस वर्ड को याद रखो कि सर वेरी लार्ज मोलिक्यूल इज कॉल्ड मैक्रो मैक्रोमोलिक्यूल यानी जो बहुत बड़ा अणु होता है उसी को मेरे भाई क्या कहा जाता है मैक्रो मोलिक्यूल कहा जाता है यह आपको याद रखना वहीं पर प्यारे बच्चे में बात करूंगा अगला आपके सामने क्या हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा थोड़ा सा अच्छे से देखना स्टडी एक ऐसा अध्ययन होता है ऑफ इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स का अध्ययन है इन टर्म्स ऑफ होल सिस्टम्स कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सभी सिस्टम्स को ध्यान में रखते हुए जो स्टडी होती है बच्चे उसी को सर क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है ये आपको याद रखना है ठीक है ना अब देखो कई कई बच्चे कहते हैं कि सर वर्ड हमें याद कैसे हो मेरी बात सुनना यदि ये जो आपका मेक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है मेक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है यदि इसको कोई बच्चा पहली बार देखता है तो उसको लगता है रे ये वर्ड कैसे याद होगा इतना बड़ा स्पेलिंग है एम ए सी सी आर ओ ओ ई ऐसे फिर भूल जाता बीच में यू यार याद नहीं हो रहा मम्मी याद नहीं हो रहा इतना बड़ा वर्ड याद नहीं हो रहा याद नहीं हो रहा लेकिन जैसे ही कोई मैडम उसके पास में कोई टीचर उसके पास में आई आया और उस टीचर ने आके उसको बोला इसमें से दो वर्ड अलग अलग करो बेटा क्या करूं गुरुजी कि इसमें से मैक्रो को अलग निकालो इकोनॉमिक्स को अलग निकालो मैक्रो का स्पेलिंग अलग से तैयार करो एम ए सी आर ओ मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा होता है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का का अलग से अर्थ निकालो सर ई सी सी ओ ओ एन एम आई एस मतलब सर आपका अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था होती है ठीक है सर तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक कर लो अरे गुरु जी याद हो गया बस आप थोड़ा सा यदि मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा वर्ड्स को तोड़ के याद करने की कोशिश करेंगे स्पेलिंग्स आपको सर अपने आप ही क्या हो जाएगी याद हो जाएगी मेरे बच्चे ठीक है चलो जी भाई अगला अपना कौन सा हो जाएगा सर मेनिया और मेनिया का मतलब क्या होता है सर पागल होता है तो पागलों वाला काम आज हम करेंगे नहीं पागलों वाला काम तो काम तो हम बाद में ही करेंगे कल ही करेंगे ठीक है चलो सर अब बात किसकी करेंगे प्रोनाउन की ग्यारह बजे आप मेरे पास में आना ठीक है मैं आपको एक क्या दूंगा जादू की जफ्फी और वो जो जादू की जप्पी होगी जो जादू की छड़ी होगी वो आपका सिलेक्शन करवाएगी तो यदि आप चाहते हैं कि सर हमारा इंग्लिश जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाए मैं जिम्मेदारी लेता हूं सर इस चीज़ की और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुकरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर तैयार करा दूंगा वो इस लेवल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि बच्चे आपको फिर इधर उधर तांकने झाकने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टॉपिक से लेकर हाँ आप छोटा एग्जाम दे लो बड़ा एग्जाम दे लो उस टॉपिक को लेकर आपको इधर उधर ज्यादा झांकने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार कर दूंगा बस आपका मन मुझे पूरा चाहिए ठीक है इसके अलावा बात करूं तो सर एक बजे मेरी कॉलिंग का टाइम होता है बच्चे मुझे कॉल करते हैं बड़े प्यार से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप भी उन बच्चों में से एक हो सकते हैं आप भी कॉल कर सकते हैं और कॉल करके प्यारे बच्चे कॉल करके कोई भी आपका क्वेरी है वो पूछ सकते हैं इसके अलावा सर तीन बजे मैं कराता हूं प्रैक्टिस आज यहां पर सर अपनी वॉकेब की प्रैक्टिस होगी याद रखना तो वो प्रैक्टिस के लिए कल पूरी हो चुकी है तो मैं अपने नोट्स बेच में उसकी सीपीपी डालने वाला हूं वो सीपीपी आपको जरूर निकालनी है ये बात भी याद रखना है टीम स्पेस आर एस है टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन करो और कोई डाउट होता है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही चलता हूं लेता हूं आपसे इजाजत बाय बाय सी यू लव यू ऑल जय हिंद जय भारत